की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। कुछ देर बाद सीएमआर में बैठक आयोजित होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इस बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन 4 के हालातों को लेकर चर्चा करेंगे। कोर ग्रुप के साथ मुख्यमंत्री कुछ देर बाद सीएमआर में बैठक करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, लॉकडाउन 4 के बाद नई गाइडलाइन जारी की गई है और उसके बाद के हालातों को लेकर समीक्षा की जाएगी। सीएमआर में कुछ देर बाद कोर ग्रुप की बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार समीक्षा कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के तहत सीएमआर में कोर ग्रुप की कुछ देर बाद बैठक आयोजित होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, क्या कुछ अपडेट है? देखिए आशीष, जैसे लॉकडाउन चौथे चरण की जो गाइडलाइन जारी की और गाइडलाइन के बाद आज पहला दिन था और पहले दिन में जिस प्रकार की छूट दी गई थी उसके बाद में किस प्रकार की स्थिति भी रही और किस प्रकार से लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और सीएम अशोक गहलोत थोड़ी देर में जो कोर ग्रुप के अधिकारी है उनके साथ चर्चा करेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और आज के दिन का पूरा फीडबैक लेंगे क्योंकि काफी कुछ रियायतें इस गाइडलाइन के द्वारा दी गई है। ऑटो बस सहित काफी जो नाई की दुकान है, सैलून है, काफी हद तक दुकानें आज खुली है, उन सबको लेकर फीडबैक लेंगे सीएम की। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई लापरवाही हो, लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघन हो या किसी प्रकार से नियमों की पालना नहीं हो, ये जो छूट देना भारी पड़ जाए उसी को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है और आगे किस प्रकार से रियायत दी जा सकती है और क्या पाबंदियां लागू की जा सकती है उसी को लेकर पूरी समीक्षा करेंगे लॉकडाउन की स्थिति को लेकर। साथ ही जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं, जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिन से लगातार आंकड़ों में तेजी आ रही है, तो उनको लेकर भी चर्चा करेंगे कि क्या कारण है, किस प्रकार से जो प्रवासी आ रहे हैं और प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है उसके बाद में काफी हद तक हम बात करें डूंगरपुर और जाल और सिरोही उधर जो आंकड़े आ रहे हैं उनको लेकर भी सीएम अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो समीक्षा बैठक है वो कोर ग्रुप के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। जी आशीष, तो माना जा सकता है कि जिस प्रकार से नई गाइडलाइन जारी की गई है लॉकडाउन 4 की, उस गाइडलाइन की किस प्रकार से पालना प्रदेश में हो रही है इसको लेकर समीक्षा होगी और साथ ही जिस प्रकार से प्रदेश में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं तो गाइडलाइन में किस प्रकार का फेरबदल किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है पिंटू। जी आशीष, क्योंकि आज काफी कुछ रियायतें दी और हमने देखा अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो काफी हद तक ट्रैफिक भी देखने को मिला और काफी बड़ी तादाद में बाजार भी खुले हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका समीक्षा करना जरूरी है कि कहीं कोई लापरवाही के मामले तो सामने नहीं आए और कोई अनचाहे जो किसी प्रकार से अनावश्यक लोग सड़कों पर तो नहीं निकले हैं और नियमों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही क्योंकि छूट देना भी जरूरी था क्योंकि गाइडलाइन जिस प्रकार से जारी की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि रोजगार को इस पर फोकस किया गया, रोजगार को फोकस करते हुए ही छूट का दायरा बढ़ाया गया है क्योंकि कोरोना का लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं और जो जानकारी जो खबरें आ रही है कि कोरोना के साथ ही जीना है, अभी तक कोई वैक्सीन इसके सामने नहीं आई है, उसी को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कि संक्रमण के मामले भी रुके और लोगों को रोजगार फिर से शुरू हो, पटरी पे जिंदगी आए, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई लापरवाही नहीं हो और फैसले कहीं गलत साबित नहीं हो इसी को देखते हुए समीक्षा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता।